अब बात करते हैं ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स की, कौन कौन से स्टॉक्स हैं उनके रडार पर, ये भी समझ लेते हैं। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी डिटेल्स के साथ। वामाक्षी गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम इंडिगो के साथ। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि क्वार्टर फोर में यील्ड्स शायद डिक्लाइन हो सकते हैं 11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और कंपनी एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रिपोर्ट कर सकती है 80 करोड़ का। वैल्यूएशन ये काउंटर के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं और क्यू फोर में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कभी 45% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा सकती है कंपनी कैपेसिटी में, और इसी के चलते उन्होंने ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य दिया है 2925 पर शेयर का और ये करीब 50% से अधिक का अपसाइड नज़र आता है इन्हें करंट मार्केट प्राइस से। इसके अलावा ऑटो शेयर्स भी हमारे रेडार पर हैं। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि वो पॉजिटिव है इंडियन ऑटो स्पेस पर। काफ़ी मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ की अपेक्षा की जा रही है, 11 से 18% वॉल्यूम कैगर की अपेक्षा की जा रही है FY23 से लेकर 25 तक पीवीज, टू व्हीलर्स और ट्रक्स के लिए। मजबूत टॉप लाइन ग्रोथ भी नज़र आ सकती है बेटर मार्जिन्स के साथ, और इसी के चलते ईपीएस में अच्छी ग्रोथ नज़र आ सकती है। स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट की ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। टू व्हीलर्स की ग्रोथ आउटपेस करी है फोर व्हीलर्स को, और इसी के चलते उनकी तरफ से खरीदारी की राय आ रही है बजाज ऑटो, अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स पर। बजाज ऑटो के लिए टारगेट प्राइस है 4,800, अशोक लेलैंड के 185 और टाटा मोटर्स के लिए 600 प्रति शेयर का। इसके अलावा टीवीएस और टाटा मोटर्स पर उनकी राय आ रही है कि वो अपना ईवी पोर्टफोलियो और भी मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। TVS, टाटा मोटर्स और सोना कॉमस्टार उनकी प्रेफर्ड बाय है। इसके अलावा उन्होंने अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है भारत फोर्ज पर, और M&M पर अपनी राय को अपग्रेड किया है, अंडर परफॉर्म की राय से न्यूट्रल की राय दी है। और आखिर में हम फोकस करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। कंपनी ने हाल ही में अपने क्वार्टर फोर के अपडेट्स दिए हैं और काफ़ी मजबूत अपडेट्स आए हैं, और इनका कहना है कि और भी मार्जिन एक्सपेंशन के का स्कोप नज़र आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में, और इनफैक्ट उनका नेट प्रॉफिट डबल हो सकता है ईयर बेसिस पर क्वार्टर में, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और इसी के चलते खरीदारी की राय आ रही है सिटी की तरफ से बैंक ऑफ बड़ौदा पर। लक्ष्य दिया है 210 प्रति शेयर का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, और क्योंकि हम थोड़ी देर पहले नतीजों की बात कर रहे थे, अर्निंग सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में एक इंटरेस्टिंग रिसर्च हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस हफ्ते जो रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो रही है उसमें अक्सर देखते हैं कि निफ्टी के ईपीएस और वैल्यूएशन में कुछ बदलाव होता है, तो इस बार जब नतीजे आएंगे तो ईपीएस और वैल्यूएशन को लेकर क्या अनुमान है निफ्टी को लेकर, इस पर एक रिसर्च लेकर हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला ईपीएस निफ्टी का फोर्थ क्वार्टर FY23 रहेगा। इंपॉर्टेंट आंकड़ा देखने को रिकॉर्ड लेवल्स में रह सकता है, 220 के आंकड़े के ऊपर रहेगा। और याद रखिए मार्जिन्स में बढ़ोतरी देखने मिल सकती है क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो रही है और उसके कारण जो है ईपीएस में बढ़ावा देखने मिल सकता है। अब ऑफकोर्स फोर्थ क्वार्टर में बात करें तो 3% का ईपीएस का ग्रोथ का अनुमान है, और यही फर्स्ट क्वार्टर FY24 में देखें तो वहाँ पे 9% का ग्रोथ का अनुमान देखने मिल रहा है। लेकिन जो कौन से अहम स्टॉक्स है जो अगले 3 महीने में सबसे ज़्यादा ईपीएस में ग्रोथ दिखाएंगे, इसमें इंक्लूड करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक, कोल इंडिया और SBI, जहाँ पे 18% का ग्रोथ का अनुमान है, और इस लिस्ट में UPL और ONGC भी शामिल हैं। अब बात करें अर्निंग्स ट्रेंड्स की तो ओवरऑल कहेंगे ऑफकोर्स जो थर्ड क्वार्टर था वहाँ पे अबव एस्टिमेट्स वाले नंबर्स आंकड़े कम आए थे, लेकिन आप याद रखिए जो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है वो 50% से ज़्यादा जो है निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स दे रहे थे, एंड ऑफकोर्स ओवरऑल मिले जुले नतीजे थे वो तो ऑलमोस्ट कम हो चुके थे। तो एक टाइप से कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रहेगा ये अर्निंग्स को ट्रेंड को ट्रैक करना। लेकिन इसके अलावा जो है वैल्यूएशंस क्या है उस पर बात करेंगे, एंड ऑफकोर्स अगले 2 साल में जो है वैल्यूएशंस में थोड़ी सी करेक्शन की एक्सपेक्टेशंस है। 2 साल में लगभग 17 times निफ्टी का जो है एस्टिमेट आ रहा है FY25 के लिए फॉरवर्ड बेसिस पे। लेकिन ईपीएस क्या रहा है विद साल 2023 में, जब शुरुआत हुआ तो लगभग 847 रुपये का था, उसके बाद जो है Q4 नंबर्स के बाद 847 हुआ, और करंटली जो है 31 मार्च 2023 में 830 रुपये का आंकड़ा आ रहा है।